दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2024 में अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है या कट फट गया है या आपको अभी तक मिला ही नहीं है, तो फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर से अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। फिजिकल वोटर आईडी कार्ड की तरह ये भी पूरी तरह से वैलिड होगा। तो चलिए वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना सीख लेते हैं। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वोटर्स सर्विस पोर्टल इस वेबसाइट पर आना होगा। वेब ब्राउजर में voters.eci.gov.in डालकर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने मतदाता सेवा पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस पेज पर आ सकते हैं। अब सबसे पहले आपको इस पर साइन अप करना होगा। ऊपर राइट साइड में साइन इन और साइन अप के ऑप्शन दिए हैं, आपको साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर और इंडियन ओवरसीज इलेक्टर। आपको चूज करना है इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर और इसमें अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। इसमें ईमेल आईडी डालेंगे, यह ऑप्शनल है। आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। और यह कैप्चा कोड इसमें डालेंगे। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप यहां क्लिक करके दूसरा कैप्चा कोड ले सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पर रजिस्टर करने के बाद आपको अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए या तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं या होम पेज पर जाकर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर इपिक नंबर डालेंगे। इसमें पासवर्ड डालेंगे, आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को डालेंगे और ये कैप्चा कोड इसमें डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड हो जाएगा जिसे इसमें डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि ये पोर्टल अपडेट हो चुका है, पोर्टल अपडेट होने के बाद मैं इसमें पहली बार लॉगिन कर रहा हूं, इसलिए मेरे से नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसमें फिर से पासवर्ड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ये देखिए पासवर्ड क्रिएट हो गया है। चलिए फिर से लॉगिन करते हैं। इसमें मोबाइल नंबर और इसमें पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड इसमें डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी कोड सेंड हो जाएगा जिसे इसमें डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में लॉगिन हो जाने के बाद आपको सेम ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ई इपिक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आप इपिक नंबर से या फिर रेफरेंस नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उसी रेफरेंस नंबर को डालकर आप वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप रेफरेंस नंबर को चूज करके इसमें रेफरेंस नंबर डालेंगे और यहां से अपना स्टेट चूज करके सर्च पर क्लिक करेंगे। या फिर आपके पास इपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी नंबर है, आपके वोटर कार्ड पर इस तरह का एक नंबर लिखा होता है, इसी को इपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर कहते हैं, तो आप यहां से इपिक नंबर को चूज करके इसमें इपिक नंबर डालेंगे और यहां से स्टेट चूज करके सर्च पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपकी वोटर डिटेल आ जाएगी, आपका नाम, आपके पति या पिता का नाम, आपका सिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ध्यान रहे, इसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, तभी आप वोटर कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहां पर लिखा हुआ है प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन। तो पहले आपको ओटीपी के द्वारा ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी कोड सेंड हो जाएगा जिसे इसमें डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो गया है और इसके नीचे डाउनलोड ई इपिक का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर ई इपिक फॉर द इपिक नंबर हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो ये देखिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो गई है। इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका वोटर आईडी कार्ड दिखाई देगा। जो फिजिकल पीवीसी वोटर कार्ड आता है देखने में ये भी ठीक वैसा ही है। ये वाला भाग फ्रंट साइड पर प्रिंट हुआ रहता है और ये वाला भाग बैक साइड पर प्रिंट हुआ रहता है। इसमें आपको नीचे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, पोलिंग स्टेशन, ईटीसी। तो इस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड
को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।